उत्तर प्रदेश में 17वें विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। 22 मई तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। विशेष सत्र की शुरुआत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल राम नाईक के अभिभाषण से होगी। संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण के लिए राज्यपाल पहुंचेंगे तो उनका स्वागत राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक होगा। यूपी विधानमंडल के इस विशेष सत्र में सरकार यूपी जीएसटी विधेयक पेश करेगी। विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। सहारनपुर में हुई हिंसा का मुद्दा विधानसभा में विपक्ष उठा सकता है। निर्देश है कि हम उसके लिए बहुत सीरियस हैं। विभिन्न विभागों के साथ आज हम बैठे थे, इंडस्ट्री को कौन से अधिक सुविधाएं दी जा सकती है। ईस्ट टू डू बिजनेस के अंतर्गत सारे विभागों को अलग अलग जीओ जारी होगा, उनको इंसेंटिव देने कितने कितने इंसेंटिव दिए जाए उसके बाद विस्तार से चर्चा हुई है। अभी हम एक आध बार और बैठकर कैबिनेट में लाकर हमारा प्रयास होगा कि इसको एक महीने के अंतर्गत हम कम से कम इंडस्ट्रियल पॉलिसी सामने, इसमें हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आएंगे, देश के सारे राज्य हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी को स्टडी करने के लिए आएंगे। समाजवादी पार्टी हर वो मुद्दा उठाएगी जो कानून व्यवस्था संबंधित है, विकास संबंधित है, अराजकता संबंधित है, सांप्रदायिक दंगे हैं, जाति विद्वेष, जो जाति लड़ाई हो रही है, इस सबको उठा। आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में कुछ खास है। ये सत्र भी विधानसभा का पहला सत्र है, 22 मई तक ये चलेगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। बीजेपी गठबंधन के 325 में से 209 एमएलए पहली बार पहुंचे हैं। विधानसभा बीजेपी गठबंधन का यहां बहुमत है, विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का बहुमत है। आपको बताते हैं कि 22 मई तक चलने वाले इस सत्र में क्या क्या होगा। सदन में जीएसटी बिल पेश करेगी सरकार। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। सहारनपुर हिंसा का मुद्दा उठ सकता है, किसानों के गन्ना बकाए का मुद्दा उठ सकता है, समाजवादी पेंशन बंद करने का मसला भी विपक्ष उठा सकता है। विधानसभा के पहले सत्र में विपक्ष कानून व्यवस्था के साथ ही ब्याज समेत गन्ना मूल्य भुगतान, समाजवादी पेंशन बंद करने और प्रदेश में विकास कार्यों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। मानसून आने वाला है और मानसून से पहले बंदे और बाढ़ के संदर्भ में अब तक सरकार ने किसी तरह कोई कार्य योजना ना किसी तरह का कहीं कोई धन आवंटन किया जिससे बंदों को बचाया जा सके, और पूर्वांचल से में एक सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है तो उस पर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। राज्य कर्मचारियों को पुराना पेंशन बहाल की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने माननीय मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख के पेंशन बहाली की बात की, उनके वादों को याद दिलाने का काम, इन तमाम मुद्दों को और किसानों के संपूर्ण कर्जा माफी को लेकर हम सरकार को घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। जितने बड़े सपने इस चुनाव में दिखाए गए थे और जो चुनाव में प्रचार किया गया था और जिस तरीके से सरकार ने उन सारे मुद्दों पे विचार करने के अलावा अपना काम शुरू कर दिया है, कोई काम नहीं हो रहा, सारा प्रदेश का विकास रोक दिया, साबित कर देंगे कि जो इन्होंने वादे किए, जनता को झूठा वादे करके जनता को गुमराह करके वोट लिया, और ये सरकार जो है बिल्कुल भी जनता के हितों से अपना भाव नहीं रखती। आप ये देखिए, पूरी जनता देख रही है जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, और बीजेपी जो झूठे वादे देकर आई थी, झूठ बोल कर आई थी, अब देखिए जनता त्राही त्राही कर रही है। अभी इलाहाबाद की घटना देखिए आप, सहारनपुर में क्या हुआ, संभल में क्या हुआ, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, और क्या वादे थे और क्या हो रहा है ये सभी देख रहे हैं, सामने आपके आएगा। आज हम लोगों ने 50 दिन की जो ये सरकार है उसके 50 कारनामे बताने जा रहे हैं, क्योंकि जनता से इन्होंने वोट किसी दूसरे मुद्दे पे मांगा था, लेकिन आज जनता का मन भटका रहे हैं। विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है, एंटी रोमियो हो रहा तो कहीं गाय पर बात हो रही। मैं पूछना चाहता हूं कि 50 दिन की सरकार में क्या काम हुआ है। हम विपक्ष मजबूती से शिद्दत के साथ इस सरकार का विरोध करने जा रहे हैं कि जनता के बीच में आप क्या लेकर के गए थे और आज आप क्या कर रहे हैं।